ओ, ये वाली फोटो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चली गई मतलब, और उम्मीद नहीं थी मुझे इसकी कि इतनी ज़्यादा हिट हो जाएगी। शिट, क्या है? ड्यूक 390 इंजन हैज़ बीन टर्नड ऑन ऑन 417। 417 मतलब अभी? शिट 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 शिट, कोई बाइक ले जा रहा लग रहा है, ड्यूक लेके बहुत तेजी से भाग रहा है एंड इसी एकदम स्ट्रेट गया है यहाँ से। लेट्स सी। इसी फ्लाईओवर पे है जस्ट। इस वाले कर्व पे दिख रहा है वैसे तो। लेट्स सी। एक तो ड्यूक भागती भी ज्यादा है। सीधे इधर कहीं दिखा रहा है, रिवर के पास। इंजन किल कर देता हूँ मैं ड्यूक का। हो गया। 1.2 किलोमीटर सिर्फ दूर आया है घर से एंड यहीं पे बाइक कहीं पे पार्क्ड है। एकदम आपको दिखाता हूँ मैं, एकदम रिवर के बगल में। ये देखो, एग्जैक्टली रिवर के बगल में। ये रिवर है, वाटर बॉडी चल रही है और ये बाइक है ड्यूक। खतरनाक चोर है भाई, कैसी कैसी जगह लाया है बाइक। ओह, बाइक तो यहाँ खड़ी है अपनी, चोर इधर घूम रहा है। चोर यहाँ घूम रहा है तो सबसे पहले इसको पकड़ के फेले चोर को पहले फेला जाएगा पकड़ के। देख रहे हो, इसको कोई और लोकेशन नहीं मिली, इतना सही हाइड आउट एरिया है ये। बहुत प्यारी हाइड आउट है भाई, एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है। देखो ये को रिवर है और ये देखो, ये जो मोड़ नीचे उतरी है तो ये बाइक यहाँ खड़ी है। बल्कि ये मैप में होगा भी नहीं रास्ता। वही दिखा, एकदम एग्जैक्ट दिखा रहा है। जैसे जैसे तुम जा रहे थे ना, पूरी टॉप स्पीड सब कुछ आ रहा था। जितना तेज गए हो ना, तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ रही कि ड्यूक कितनी तेज चल रही है। एक बार बंद करके इग्निशन ऑन करो जरा। एक्चुअली ये शो करने के लिए था कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है ये ऐप। इग्निशन बंद कर दो बस, ऑन करो चाबी बंद करके। चाबी रुकना, फिर से रुकना। 1 2 3 ऑन करो, आएगा देखना। अभी ये देखो, ड्यूक 390 इंजन टर्न ऑन एट 125। एक एक चीज बताता है भाई। तो उसके बाद बाकी सारे स्टैट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैक्स स्पीड, एवरेज स्पीड, स्टॉपेज टाइम, आइडियल टाइम, डिस्टेंस, रन टाइम, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इंजन यहीं से ऑफ कर सकते हो और उसके बाद यहाँ एनालिटिक्स में और थोड़ा ज़्यादा ग्राफ वाइज आपको मिल जाएगा डेटा। टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड तुम पता नहीं कितनी गया, अभी दिखा नहीं रहा था, रुको। 100। अच्छा। मैंने सोचा इसीलिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा नेचुरल होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो, बाइक चोरी होती तभी पता चलता है कि चीज़ काम कर रही है कि नहीं। अगर ऐसा हो कि पता चोरी हो जाए, जीपीएस काम भी नहीं कर रहा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए एकदम एकदम असली चोर को बुलाया मैंने, एकदम प्रॉपर चोरी करवाई और ऐसे ही चेक करा कोई रैंडम लोकेशन पे जाके कि देखते हैं कितना एक्यूरेटली ये दिखाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वाले वीडियो में अपने पास एक प्रोडक्ट आया है विच इज़ 1 लैप माइक्रो GPS ट्रैकिंग डिवाइस। और इससे आपकी बाइक बचेगी चोरी होने से, या मतलब चोरी हो जाएगी उसके बाद मिल जाएगी, आप चोर को पेल सकते हो पकड़ के उसके बाद और ट्रैक कर सकते हो सारी चीज़ें। सो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये रहा अपना बॉक्स और इस पर लिखा है 1 लैप माइक्रो GPS ट्रैकिंग डिवाइस। इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी अंदर क्या मिलता है। तो बॉक्स खोलते ही आपको 1 लैप का जो मेन GPS डिवाइस है वो मिल जाएगा। इसको भी ओपन कर लेते हैं एक बार। और इसके अंदर आपको मिलेगी एक वायरिंग जिसकी मदद से आप कनेक्ट करोगे इस GPS को अपनी बाइक से, अपनी बाइक की बैटरी से। और उसके अलावा आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा
जिसमें आपके वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, बट अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि आपका भाई है बताने के लिए कैसे कनेक्ट करना है, जीपीएस क्या करना है। तो ये डिवाइस निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ से बाहर। आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है, और आपकी ज़िंदगी भर की लोगों की मेहनत होती है, उनका सपना होता है बाइक लेना या कार लेना, जो भी चीज़ है, तो उसमें आप इसको फिट कर सकते हो। और मुझे लगता है ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी रिसेंट में एक फ्रेंड की बाइक चोरी हुई है और वो मिली नहीं। पर्सनली ये प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अगर आप बाइक या कार ले रहे हो, आपकी मेहनत की कमाई है, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो बनता है। चलो इसको लगाते हैं। और अभी तक तो आपने वीडियो देख ही लिया कि मैंने कैसे ट्रैक किया और कितनी अच्छी ऐप है, और अब आप इंस्ट्रक्शंस देखो कि लगाया कैसे जाता है इसको बाइक में। लेट्स गो। तो ये निकल आया अपना जीपीएस डिवाइस और ये आ गई वायरिंग बाहर। तो नीतीश भी आपको अब बताएंगे। हाँ, इसको कनेक्ट करना है और इसके लिए देखिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये देखो छोटा सा, इसका भी ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, ठीक है, वरना पिन टेढ़ी, हाँ वरना टेढ़ी हो जाएगी, काम नहीं करेगा इसको। बट आप ये देखो, ये जो सिल्वर पॉइंट देखा, ये नीचे रहेगा, ये तो परफेक्ट सिंपल कनेक्ट। ब्लैक और रेड तो बैटरी के लिए होंगे, ये हो गया नेगेटिव बैटरी का, ये हो गया पॉजिटिव, और ये वायर एक हो गया जो भी आपकी नहीं, जो भी आपकी बाइक में जो पॉजिटिव जहाँ पे वायर होगा, ठीक है, जहाँ पे 12 वोल्ट इग्निशन खोलने पे आएगा, अच्छा ठीक, उसमें जाएगा ये, इसमें नहीं आ रहा। तो आयुष देखा, ये 12 वोल्ट इसमें आ रहा है, ये हमने इग्निशन को करा ऑफ, और ये देखो बंद, ये हो गया क्लोज, है ना, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको चेक करना है कि इग्निशन ऑन करने पे 12 वोल्ट किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, उसी से जो आपको रेड वाला वायर है बस उसी से कनेक्ट कर देना है, सिंपल ये कनेक्ट। इसको क्या करना है, इसको टेपिंग कर देना है, ठीक है, ठीक है। एक बार ऑन करिए तो इसमें लाइट आ रही है, देखते हैं कि हमारा जीपीएस एक्टिवेट हुआ या नहीं। तो लाइट जल गई है जीपीएस में, और अब क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन की ऐप से इसको कनेक्ट करना है, एक बारकोड स्कैन करना है, और उसके बाद रेडी टू गो। तो ये नेगेटिव टर्मिनल में इंस्टॉल हो गया एक वायर, और सेम ऐसी आपको पॉजिटिव में करना है। येलो वायर ये एक्स्ट्रा है, ये कभी और कुछ फीचर्स अगर ये ऐड करेंगे तो ये उसके लिए है, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो अब ये अंदर इसमें यहाँ पे आपको एक सिम मिल जाएगा जिसकी मदद से ये आप ट्रैक कर पाओगे, अगर बाइक कभी चोरी होती है या ऐसा कुछ होता है, आपको ट्रैक करना है कि बाइक कहाँ चल रही है, कितने स्पीड पे चल रही है, सारी चीज़ें इसी की हेल्प से ट्रैक होंगी। और बाय द वे मुझे लगता है इसका जो रिचार्ज होता है वो एक साल का समथिंग होता है, वहाँ भी एक साल का वीडियो बनाना चाहिए था जब सो ये इसकी मोबाइल ऐप है, वन लैप नाम है इसका, और ये डिस्प्ले परमिशंस बाद में दे देंगे। तो अभी अपना कोई अकाउंट नहीं है इसमें, तो साइन अप करते हैं, और आपको जी ये सारी जो डिटेल्स हैं ये भरनी पड़ेंगी। तो ये ऐप ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी है इसमें, और इसको सेटअप करते हैं अब। बाकी आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी ऐप को, ये हम बाद में कर लेंगे। खैर इसके अलावा एंटर द फ़ोन नंबर पासवर्ड, ये मैं सेटअप करता हूँ पहले। सो उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस करना है, और इस पर आप क्लिक करोगे फिर से वाइल यूजिंग द ऐप। तो ये बार कोड मांग रहा है इस टाइम, तो बार कोड आपको यहाँ मिल जाएगा इसके पीछे। तो ये स्कैन करने के लिए ये ऐसा आपका स्कैनर खुल जाएगा, सीधा स्कैन हो गया। अब यहाँ पे ये डिफरेंट कार्स आ रही हैं, कार और मुझे लगता है बाइक के भी आइकन होने चाहिए। हाँ, ये मोटरसाइकिल्स आ गई। तो ये अब ड्यूक है तो कुछ वाइट लगा लेते हैं। चलो ये आइकन हमने सेलेक्ट कर लिया, व्हीकल का नेम डाल देते हैं ड्यूक 390, व्हीकल नंबर डाल देते हैं। आपको ये डिवाइस परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप ये डिवाइस परचेज़ कर सकते हो। और भी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको पता चला होगा कि ये ऐप एक्चुअल में कितनी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि अगर इंसान इतना पैसा लगाता है तो 4-5 हज़ार रुपये और लगा के मुझे लगता है अपनी बाइक को सिक्योर करना, क्योंकि अभी रिसेंट में मेरे एक फ्रेंड की बाइक चोरी हुई है, RC 390, एंड नहीं मिली। बाइक्स मोस्टली नहीं मिलती हैं, क्यों, और इससे पहले भी पास में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी बाइक चोरी हो चुकी है और अभी तक तो किसी की भी नहीं मिली। तो जीपीएस होना बहुत ही सही है और काफ़ी एक लाइफ सेवर गैजेट है ये, मतलब बाइक सेवर गैजेट कहेंगे। सो बस इसको यहीं पे एंड करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सी यू सून द नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो।
बाय बाय।